गाजर के हलवे के कितनी बढ़िया पीस काट रखे हैं, कती एकदम तो सूखी सूखी बढ़िया बना रखी है। आ जाओ खा लो, सारी चीज बढ़िया बना। हलवाई भी क्या करेगा, अब तो हलवाई भी क्या करेगा, कितनी बढ़िया बना रखी है। एक तो ना लॉकडाउन हुआ था सारी मिठाई तकरीबन सब जब बनाना सीखे हैं लॉकडाउन में, तकरीबन कदे सूजी का केक कदे क्या एक कदे क्या एक यूं बना बना रहे। ये सारी उलट के रख दी इसने, क्या डालेगी इसमें। अच्छा कर ले तो चल, हमारे जो पहले नीचे रहा करती ना, मतलब कच्ची हल्दी डालकर ना डेली दूध पिया करती, हड्डियों के लिए भी अच्छा होती है। चलो कभी ट्राई करेंगे, अभी पी नहीं चाहिए आए तो कभी ट्राई करेंगे, पर कुछ होता कोई ना, कहते दूसरे तो ही हो जाए अपने तो ना होता, कि मैं भी काम है ना, जब बाहर खेलने लग रहा है उसकी तबीयत खराब हो रही है। मैंने नए कवर मंगाए सोफे गद्दी के। अच्छा ये कवर, अच्छा जब पता नया नया ऐसा लग था, सही हाँ सही लग रहा है। दूध तला लकड़ जाएगा तेरा, देखिया बता दी जाता कवर दिखाने के चक्कर में। चल कर ले ले, अच्छा कर दोनों जने इकट्ठी रहा करेंगे, बता दे दोनों इकट्ठी रहा करेंगे, दोनों वीडियो दोनों वीडियो बनावा है। वैलेंटाइन डे वीक शुरू हो गया, मैं क्या कहूँ, दोनों वीडियो बनावा है, फुल फेमस हो जाएंगे है ना, दाब दी इसने खुल जाएगी है, मुंह तो दाब दे, अपने मुंह तो कर ले ले, दाब दे बच्चा भी है, मुंह तो तू दाब दे, मेरे तो मन ना लगे, मैं ना दाबे बंद ना होवे। कहाँ जा रही है अबे, ताऊ जी अरके अब गाड़ी छोड़ आवा और स्कूटी ले आवा है ना, तो न्यू है दिन में जब जरूरत हो, जब अपना गाड़ी लिया वहाँ हाँ बड़का ने छोड़ आऊँ और दूध दाद लिया हूँ, थोड़ी प्रैक्टिस हो जाए फिर उसके बाद गाड़ी छोड़ आऊँ, फिर अपनी स्कूटी लिया, मेरी स्कूटी इसी वो कर रखी है क्योंकि मैं बड़का ने ना बैठा सकती, खाम कहीं गिर जाओ ना तो इतना डर रहा है बहुत गणा, क्योंकि वो अब ना मतलब रेस्ती बाजा है तो खाम खाई है ना, तो अब मैं पढ़ ली तो मेरी तो थोड़ी सी मजबूरी हो रही है, अकेली तो वहाँ फिर भी झेल ली हूँ। मैं एक बात बताता हूँ, आज फिर मेरे बंदर चपक गया, तो फिर बंदर चपट गया, बंदर इतने हो रहे हैं बहुत गणे, तो फिर ध्यान तो ना दिया, जब तो तू नानी कहन जा रही थी ना, तो तू नानी कहने का क्या मतलब तेरा। बंदर चपट गया तो दोबारा से चपटने भागा मेरे, एक बार तो चपट गया मैंने झटका के बैठ लिया, तो दूसरी बार भी चपटने भागा तो मैं तो बैग पकड़ के नानी के सीधा, दो मिनट दादी ते मिल के स्कूटी लेकर ने और दूध पिताता ना करे, हमने जाकर दूध ताता करूंगी, नानी बोली कि आप है ना गलत टाइम पे दूध लेके आते हो, थोड़ा पहले लेके आए करो ना, तो बैठने की रहती वहाँ पे उनके साथ आंटियों के साथ, तो फिर बेटा इन्होंने बता पहले आग ले जब काटेंगे, जब है तो बिना उसके मैं किसके जाके बैठ जाऊं, वो पहले थे जिसके उनका तो बख्ता काट दिया करते, और ये काट है लेट तो उस हिसाब से है ना, मेरे हिसाब से थोड़ी चल लगा, और मैंने काम भी है, मैं थैली थोड़ी बैठी सू बात है, मेरी लड़ाई सू है, फिर गाड़ी खड़ी कर जाऊँ, सब कुटी ले जाऊँ, दीक्षा ना छोड़ जाऊँ, दीक्षा इतना पढ़ ले कि तू क्या करे, थी खड़ी थी वो जीतर तो आई थी, अगर मेरी वाट देखी थी नहीं, अगर गाड़ी दिखी थी पर उड़ बैठी थी आलम में, अच्छा यह गाड़ी दिखी मैं कहा कदे ताली टोम थी अंड में ताली गोज गाड़ी थी, अच्छा ना तो आलम बैठी थी सोनिया रही है, हां सोनिया रही है, और नंबर कंधे करी उठो संकेत ना, ये के लिए ऐसी कि बाण का के फंक्शन हम से, अच्छा उड़ जाओगे।
ये क्या बना देता तू हर रोज? जरूर अरे देखो ए देखो हर रोज नया डिजाइन बना देता है, बड़ा ही मेरा दिमाग खराब है। दिखा चल देख लोग जितना दिमाग चलावा छोरा आकर के दिखा चल। अच्छे से पास से दिखाओ, ये ले ये ले आकर देख रहे, फिर वो दिखेगा नहीं ना। चल तू कर। हाँ देख, अरे देखो ऐसे कोई बात नहीं, थोड़ी सी गड़बड़ रहेगी, ठीक है। वैसे भी अच्छा किया बेटा तूने, तेरा मतलब करे ना तू सारा सही हुआ है, थोड़ा बहुत तो चलता रहा है। कल के दिन अच्छे से किया था, आज कुछ रह गया होगा, एक हफ्ते में गड़बड़ है ना गाइज। तो आज मैं गई थी रेनू के साथ है, और वैसे फिर वहाँ का व्लॉग ना बनाया कि रोज़ रोज़ एक मार्केट का के व्लॉग बनाना, क्योंकि मैं तो कुछ लेकर नहीं आई, और वो भी कुछ नहीं लेकर आई थी क्योंकि मार्केट में उसके बारे इतना कुछ खासा ही नहीं, और मैंने कुछ लेना ही नहीं था क्योंकि मैं कई दिन पहले बताऊँ थी ले आई थी, और खान भी ना पाई, बल्कि एक तो मैंने पहरे ली और उसकी व्लॉग भी बना रखा है मैंने, पर बाकी यूँ ना व्लॉग बना रखा है। मैं ये चीज़ लेकर आई थी एक दो जर्सी, तो वो फिर मैं खान भी ना पाई हूँ, और बस फिर वहाँ पर वो बोली एक प्यास लगी जूस पीवाएंगे, तो हमने वहाँ जूस पिया, और उसने बेल खाई क्योंकि वह थोड़ी सी चटपटे की शौकीन है, और फिर घर पर आ गए। आने के बाद थोड़ी देर वहीं पे हमने मैंने एक रील्स बनाई थी वहाँ पे, और क्योंकि मतलब वह मेरी बहुत मतलब क्या करना बढ़िया दोस्त है, दो ही है मेरी, एक सुमन और एक रेनू, तो इन्हें मतलब चदन ने टोकले चाह रात ने टोकले कुछ भी काम होया तो पटाक देसी ना खड़ी पावेंगी, तो फिर मैंने भी थोड़ा अच्छा जाना लगा क्योंकि वो बोली अगर जो तू ग्रीन जर्सी पहन रही थी ना कल, जो कल वाला व्लॉग है उसमें, तो मैंने बहुत बढ़िया लगी रेनू मैंने ना ये वाली दिलवा के लिए, तो मैं लेने गई ना तो आज वह मिली नहीं उस कलर की, और उसका टाइट भी थी क्योंकि उसके मेरे साइज में थोड़ा अंतर है, और दूसरे कलर उसने पसंद ना आए तो वो हो गई हैं ख़त्म। मैं कहूँ थी तू या ले लेने बोली ना मेरे आव कोने, क्योंकि उसने बूढ़े देख लिया है आव कोने तेरे सुथरी लगा ना, वह लेने गई थी वो, और बाकी मैंने कुछ लेना नहीं था। फिर वहाँ पे ऐसा लगी थी, फिर मैं कहा चल जूस पी लिया, फिर वो बोली ना मैं कहूँगी, मैं कहा चल तू खा ले हैं, और बस खा पी कर ना आई, फिर उड़े रील्स बनाई और वहाँ थोड़ी देर बैठे, फिर मैं वो प्रोसीजर गाड़ी लेकर ना आ, फिर बच्चा ने स्कूल तक लेकर आई, फिर दूध लेकर आई, ट्यूशन लेकर आई, और आज थी डांस क्लास की छुट्टी, और फिर सुबह सुमन का फ़ोन आया था, अगर उन्होंने माँ आऊँगी, मैं कहा चल ठीक है तू आ जाइए, मगर ना ठीक है तू आज ही नहीं, मेरी भी याद आई, मगर ना आज अभी मत आइए क्योंकि मैं रेनू के साथ बुक हो रही हूँ, क्योंकि रेनू के ले जाऊँगी, उन्हें मार्केट की कह रखी है, तो पहले कह देता हूँ, उसने बता दूँगी तेरा फ़ोन बाद में आया उसका पहले आया, तो अब मैं आज उसके साथ जाऊँगी, मैं शाम ने मिलूँगी तेरे तय, क्योंकि मैं कोशिश ने नाराज वो नहीं करना चाहती क्योंकि दोनों मेरी बेस्ट वो हैं, तो मैं एक बार उससे मगा चल शाम ने इससे मिल लूँगी, थोड़ा और सही रहेगा, तो ये है कि वो तो अपने उससे मिलकर ना आ गई, फिर शाम ने आई थी सुमन और गाजर कलवा लेकर आई थी, मतलब बहुत टेस्ट रहा, जिसकी शादी की सालगिरह है उसको मतलब विश करना शादी की सालगिरह की मैं, और बस व्लॉग मेरे तेन ही नहीं रहा फ़ोन की तरह रखा था, क्यों थोड़ी देर तक ही आई थी, और बहुत टेस्टी बना रखा था डुगू ने, तो ना सारा मतलब दीक्षा तक ही ना छोड़ा, वो जा रही अपने ताऊ जीर के पढ़ाई करण है, और सारे ने खा के मैं इतने नीचे घूमू थी उसने छोड़ कर ना इतने मका के कहा कर ऊपर आए तो मका लिया खा के देखूँ, बोला मम्मा मैंने तो सारा खा लिया, वो एक कटोरी है ना उसने पसंद इतना आया, और बहुत मतलब टेस्टी बना रखा था, जब बताओ उसने सारा खा लिया, और फिर मका दीक्षा ने मत बताइए कि मुझसे देखा गई है, तो वैसे फिर ईवा जाने के बाद बल्कि मैंने आज दूध भी गर्म ना कराया ही, मैं करूँगी दूध गर्म, और फिर मैं मार कर चली गई थी, दीक्षा ने छोड़ाई थी गाड़ी छोड़ाई, फिर दीक्षा ने छोड़ाई मैं, और फिर दीक्षा अपने उड़े पढ़न लग रही है, और महात्मा का थोड़ी देर मिल ली हूँ, फिर उड़े भाभी आ रही थी और जठानी की भाभी मतलब तो वह मेरी भाभी लगी ना, तो उड़े वह बोली चाय चुपी कर जाइए, मगर ठीक से, तो फिर मैं चाय चुए पीने लग गई है, और फिर वो मैंने इनवाइट करे थे, तो उन्हें साखो लाई मतलब साखो लाई है गाँव में, तो वहाँ पर है ना दीदी हैं जो मेरी जठानी जी, उनकी माँ मतलब ये लगा लो 70 साल क्रॉस कर गई, और उनका फेस है ना बिल्कुल इतना रेड है कि आजकल ना यंग बच्चे का भी ना मिल जाएगा, मतलब एकदम तो जो साइनिंग का करना वो मतलब उन्हें देखोगे ना दूर तो यूं पड़ के लगा है उन, मतलब ना तो कोई मतलब वो कहा नहीं करा कि प्योर देसी सामान का मतलब खाना खावा हुआ, ना कोई फेस पे कोई ब्यूटी प्रोडक्ट यूज करती, ना कुछ खाने पीने में उठपटांग खाती, बिल्कुल प्योर बढ़िया शुद्ध, तो जब बता चमका है का फिर देख लो, क्योंकि इसका थोड़ा सा ही हो रहा है कि मेरा एक बार देख लो, चल आज दिखा, वो तो तने सीधा कर रहा है, सीधा तो सारे ने देख रखा है इनने सीधा, और सीधा तो देख रखा है वो डिजाइन वाला बना, सीधे का के है हां डिजाइन वाला बना, चल एक बार सीधा भी दिखा दे उसका, ठीक है गाइस दिखा गिरा गया अबे जल्दी गिरा, फिर मैंने कपड़े भी चेंज करने हैं, मैं काम लगूंगी डिजाइन वाला दिखाऊंगा, ठीक है।
ठीक है चल कर। देखो गाइस ऐसे गिरते चले जाएंगे, इसका दिमाग ही नहीं मचाला है, बस गिर गए। ओके बना ली दीक्षा जी, क्या हुआ पैदल आ रहे हैं? फिर रोडा था का मारे उनका, वो तो उठा लिया थी ना, क्योंकि बहुत लोग अभी ये जाने तो क्या हुआ तो गुस्सा बहुत हो गया था, मुझे बोले आज सारा के क्या आग लग गया वो हो गया वो हो गया जो मैं एक गाइस दीक्षा अभी आ गई और डुगू बोले मेरे ये दिखा दो ताश दिखा दो, मैं कहा चल ठीक है तो बच्चा की भी थोड़ी नींद हो जाओ, एक मिनट रुक जाने बेटा, कोई बीच में लहर जब आ जाए किसका भी दीदा नहीं लगता है। और ये दीक्षा आ गई है और अब मैं दूध गर्म करूँगी और इन तई बनाऊँगी खाना, तो खाने में देखूँगी क्या बनाऊँगी समझ में ना आ रहा, और काफ़ी टाइम हो गया है तो मतलब वो कहती दिखाइयो अभी पता चल रहा है कि मेरी सास से मतलब कितना मतलब ग्लो कर रहे हैं, तो स्पेशल मैं कहा ठीक है यूं तो करके जाया जा है कदे मिलेगी जब बना देंगे वो लोग। तो फिर मतलब ये है कि खाने पीने का इतना फ़र्क है कि जो हमारे फेस पे मतलब आज तक नहीं आई उनके ग्लो, और जो इस उम्र में मतलब यूँ लगा लो किसे मतलब यंग बालक में चमकना पाओगी जितनी कि मेरी मतलब मेरी जेठानी की माँ के पे है मुँह पर चमक, कसूती जबरदस्त चमक है, तो अपने कदे दिखाऊंगी क्योंकि बिल्कुल प्योर खाना और कोई मुँह पे कोई मतलब प्रोडक्ट मतलब ब्यूटी प्रोडक्ट कुछ भी यूज नहीं करना, तो मतलब प्योर मतलब शुद्ध, तो कदे दिखाऊंगे जो मिलेगी जब, और मतलब ज़्यादा उठपटांग चीज़ ना करनी चाहिए, कहने का मतलब भी हो कि हम फेशियल कराऊँ वो कराऊँ जिसा है ना खाए पिए तक लो आओ है ना कि मैं कराए थे। हम जहाँ से जाते हैं ना तो वहाँ से दादी ने एक नीचे औरत को देखा कुत्ते ने पाड़ लिया उसे, तो आजकल ये कुत्ते हमारे यहाँ पे ना कुत्ते बंदर आदि में तो बत्ती हो रहे हैं, मतलब ना तो बंदर छोड़ते ना कुत्ते छोड़ते, सारा घर का कूड़ा खंडा गए हैं और कुत्ते नीचे जाओ तो टन पड़न बाजे जीना ना। चल ठीक है गाई जे बारी मैं बना खा ली हूँ, और मैं बना खा ली हूँ खाना खुना है, और कल मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में, और आपने व्लॉग बढ़िया लगा तो लाइक करना शेयर करना, चैनल पर नया हो तो सब्सक्राइब करना और फुल सपोर्ट करना, आगे बढ़िया बढ़िया एंडी एंडी व्लॉग मिलेंगे आपने। तो बस मैं इब शाम ने फिर प्रैक्टिस करने लग रही थी थोड़ी सी डांस की, क्योंकि वहाँ पे हम सीखा है ना जो भी है, तो अपने घर आकर एक मिनट रुक जाने बेटा बार बार ले है कती देख मैंने ना यूँ परेशान करी जब है वहाँ मैं एक घंटा सीखा हाँ, हर दिन में छुट्टी भी हम भी कर ले हाँ अगले भी कर ले हैं शनिवार एतवार के लिए, तो फिर अपने घर प्रैक्टिस कराने तू जब आया है तो मैं कोशिश करती रहूँ थोड़ी बहुत ही, ये पता नहीं मैंने किस आया किस ना आया है, तो फिर सीखे थे वो है तो मैंने बनाई थी इंस्टाग्राम पर बनाऊँ रेनू फोगाट। चल गिरा फिर ये चौचले करने लग रहा है, मैंने बनाऊ नहीं कितना व्लॉग इसको ये कि दिखाओ जल्दी कर अब हाँ अब दिखा, देखो भाई कुछ तो भाई रह रहा है इसमें तेरा, तूने दूर दूर ज़्यादा कर दी इसमारे। चलो ठीक है गाई जी ओके, ये है कि कोई भी चीज़ हुई प्रैक्टिस तो है, फिर मैं यूँ अपने लागी रूँ जिसे बने बन जाऊँ और यूँ हाँ धीरे धीरे करती रहूँगी घर पे भी कदे कद बेरे कह जाऊँ तेरे के साथ कर लूँ, और अपने घर पर मैं अपना है यूँ बच्चे स्कूल में चले जाऊँ मैं, और जब थोड़ा टाइम हो तो फिर कर लूँ, और फटाली बैठे बैठे फालतू में दिमाग ही गानू गान चली जाओ स्ट्रेस हो रहा हो फालतू का, तो मतलब इसमें ध्यान हो जाओ है ना, तो फालतू की जाता है दिमाग हटके ना और थोड़ा सा मन सा खुश हो जाओ है, तो इस मारे फिर मैं और मेरी आई डी क्या है दीक्षा इंस्टाग्राम आई डी 135 है चुनो तो मेरे सुन ही बैठे सो एक मिनट रेनू फोगाट 35 है ना 35 है 13 नहीं है रेनू फोगाट रेनू फोगाट 35 सिंगल है, अच्छा फोगाट में सिंगल ए रेनू फोगाट 35 है, फोगाट 35 है रेनू नहीं है सॉरी रेनू, अच्छा रेनू नहीं फोगाट 35 है मेरी, रेनू नहीं फोगाट फोगाट 35 है और आईडी का नाम है फोगाट 35, अच्छा आईडी का नाम क्या नाम है रेनू फोगाट है, आईडी का नाम है फोगाट 35 जिससे आईडी का नाम है फोगाट 35 और जो आईडी पे जो हमने अपना नाम लगा आईडी पे जो नाम लगा रखा है वो है रेनू फोगाट, और वैसे है फोगाट 35 इंस्टाग्राम पर जाकर जरूर देखियो
और मेरा दूसरा चैनल है रेनू फोगाट कलेक्शन, उस पर मैं शॉर्ट्स वीडियो डालू हूँ तो वो भी जाके देख लियो। ये मैं किसा करने लगी हूँ और मेरा ये व्लॉग सही। तो चलो व्लॉग को करते हैं एंड, बना लिया खाना पीना और आप ही खाओ पियो मौज करो और साथ में अपने बड़े की बुजुर्ग की मतलब सेवा पानी करो, क्योंकि हम जिसा करेंगे हमने उसा ही मिलेगा। तो ये है कि मतलब एक आधी जो छोटी मोटी फालतू की बात है ना, वो अपने इग्नोर कर देनी चाहिए, मतलब अपनी फैमिली वाला की बड़े बूढ़े की सब की है, क्योंकि जब घर बसया कर रहा है ना कि फालतू की चीज़ें में। तो ठीक है गाइज, ये कर दिया हाँ यहीं पर इस व्लॉग का एंड। बतेरा भाषण बतेरी शिक्षा होली है, और अपना खाओ पियो मौज करो, बड़े छोटे की इज्जत करो। चलो बाय बाय, गुड नाइट।